सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ अपने सहयोगी डॉक्टर आयुष सिंह नेगी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता है कि हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले जितने भी स्वदेशी पशु हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। केंद्र सरकार इस तरफ प्रयासरत है कई सारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से इन स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि जितने भी हमारे स्वदेशी पशु हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आप भी अपने स्तर से प्रयास करने की कृपा करें। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आने वाले हैं जिसके माध्यम से हमारे भारतवर्ष में पाए जाने वाले स्वदेशी गोवंशीय पशुओं की करेक्टरिस्टिक्स, उनकी पहचान आप तक पहुंचाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी पशु प्रेमी भाई बहन हैं या पशु चिकित्सक गण हैं या वे लोग जो पशु गणना के कार्य में संलग्न हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। डॉक्टर आयुष का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अभी अभी आपने संक्षेप में जाना कि किस तरीके से भारत सरकार स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में लगी हुई है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमने 40 स्वदेशी गायों की नस्लों के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। ये समस्त गाय की नस्लें NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लाइव स्टॉक सेंसस से जुड़े हुए हमारे समस्त प्रगणकों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गिर। यह ब्रीड ओरिजिनली गुजरात की है। गिर ब्रीड का रंग लाल भूरा चॉकलेटी होता है। कुछ गायें के रंग पर धब्बे पाए जाते हैं जो सफ़ेद और हल्के भूरे रंग के होते हैं। सींग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। हाफ मून अपीयरेंस देते हैं। कान बड़े व लटके हुए होते हैं। कान ऐसे मुड़े दिखते हैं जैसे कि पत्ती या लीफ मुड़ी होती है। अगली ब्रीड है साहिवाल। इस ब्रीड का ब्रीडिंग ट्रैक्ट पंजाब राजस्थान में पाया जाता है। साहिवाल का रंग ब्राउनिश रेड होता है। बुल में एक्सट्रीमिटीज़ का रंग थोड़ा डार्क होता है। कभी कभी शरीर पर वाइट पैचेस भी पाए जा सकते हैं। साहिवाल का रंग पेल रेड से लेकर रेडिश ब्राउन के बीच तक हो सकता है। आगे के पैर छोटे, पीछे के पैर बड़े होते हैं। ड्यूलप मतलब झालर मैंडिबल के नीचे से शुरू होकर एब्डोमन के नीचे तक जाती है। अगली ब्रीड है राठी। राठी बेसिकली राजस्थान की ब्रीड है। यह साहिवाल से काफ़ी मिलती जुलती ब्रीड है। राठी का रंग ज़्यादातर भूरा सफ़ेद धब्बे लिए होता है। कभी कभी संपूर्ण भूरा रंग या काला रंग सफ़ेद धब्बों के साथ पाया जा सकता है। शरीर के नीचे के हिस्सों का रंग बाकी शरीर के रंग से हल्का होता है। टेल स्विच काली या सफ़ेद हो सकती है। पूंछ हॉक के नीचे तक पाई जाती है। अगली ब्रीड है रेड सिंधी। वैसे तो ओरिजिनल ब्रीडिंग ट्रैक्ट पाकिस्तान में है, पर यह उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, केरला, आसाम में पाई जाती है। उत्तराखंड में भी यह ब्रीड कहीं कहीं पाई जा रही है। रेड सिंधी का रंग डार्क रेड कलर से डिम येलो कलर तक हो सकता है। कभी कभी ड्यूलप पर वाइट पैचेस भी पाए जा सकते हैं। कभी कभी फोरहेड पर भी, लेकिन सफ़ेद बड़ा पैच पूरी बॉडी पर कहीं नहीं पाया जाता है। बुल्स का रंग शोल्डर्स तथा थाइस पर गहरा होता है। सींग का बेस मोटा होता है। बद्री ब्रीड। यह उत्तराखंड की पहाड़ी गाय हैं। यह काली भूरी या ग्रे रंग की होती है। कुछ पशु सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं।
कद काठी छोटी, हम्प मीडियम से लार्ज साइज का हो सकता है, थन छोटे तथा शरीर से लगे होते हैं। इनकी एवरेज ऊंचाई 108 से 110.5 सेंटीमीटर तक होती है तथा बॉडी वेट 231 से 257 केजी तक हो सकता है। माथा सीधा तथा पोल प्रोमिनेंट होता है। सींग ऊपर की तरफ घूमकर अंदर की तरफ घूमते हैं। सींग 10 से 25 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं। अगली ब्रीड है बेचूर, इसको भूटिया भी कहते हैं। यह ब्रीड मुख्यतः बिहार में पाई जाती है। रंग सफ़ेद या ग्रे होता है। सींग बाहर की तरफ निकलकर ऊपर की तरफ घूमकर नीचे की तरफ घूम जाते हैं। सींग छोटे तथा स्टम्पी होते हैं। इनका माथा फ्लैट या हल्का सा उभार लिए होता है। इस ब्रीड का साइज छोटा तथा कॉम्पैक्ट होता है। अगली ब्रीड है डांगी, इसको कंडाली भी कहते हैं। इसका ब्रीडिंग ट्रैक्ट महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। ज़्यादातर यह गुजरात के अहमदनगर जिले के अकोला तालुका, नासिक जिले के सिनर तथा इगाटपुरी तालुका तथा गुजरात के डांग्स जिले में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के थाने जिले में भी पाई जाती है। जनरली यह ब्रीड सह्याद्री पर्वतमालाओं के जंगलों के आसपास पाई जाती है। डांगी ब्रीड का रंग सफ़ेद होता है, जिस पर काले लाल धब्बे अनइवनली पाए जाते हैं। अगली ब्रीड का नाम है बरगुर। यह ब्रीड मुख्यतः तमिलनाडु की ईरोड डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। बरगुर का रंग भूरा परंतु सफ़ेद मार्किंग लिए होता है। सींगों का रंग लाइट ब्राउन होता है। सींग मीडियम साइज के होते हैं तथा इनकी टिप नुकीली होती है। अगली कैटल ब्रीड है बेलाही। बेलाही को मोरनी के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रीड मुख्यतः हरियाणा तथा चंडीगढ़ में पाई जाती है। ये शिवालिक फुट हिल्स के आसपास पाई जाती है। यहाँ के रहने वाले गुजर इनको पालते हैं। बेलाहा का मतलब है मिक्सचर ऑफ कलर्स। इसका रंग लाल भूरा तथा सफ़ेद, लाल भूरा तथा ग्रे हो सकता है। आप इसका कलर पैटर्न देख सकते हैं। लोकल के लोग इसीलिए इसे बेलाही कहते हैं। इनका फेस वाइट होता है। लाल भूरा रंग अलग अलग पैटर्न में पाया जा सकता है। अगली ब्रीड है बिंझारपुरी। बिंझारपुरी ब्रीड ओडिशा में पाई जाती है। इसको वहाँ देसी के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग सफ़ेद या ग्रे ब्लैक या ग्रे ब्राउन हो सकता है। मेल्स में हम्प, नेक और फेस का कुछ हिस्सा ब्लैक होता है। बिंझारपुरी ब्रीड की कद काठी मीडियम, सींग मीडियम और अपवर्ड इनवर्ड होते हैं। अगली ब्रीड है दियोनी। दियोनी को सुरती, डोंगरी, डोंगार पट्टी, वानेरा, ब्लैंकिया या शिवेरा आदि भी कहते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका बॉडी कलर वाइट या स्पॉटेड ब्लैक एंड वाइट होता है। यह तीन स्ट्रेन्स में पाई जाती है। नंबर एक कंप्लीट वाइट, जिसको ब्लैंकिया कहते हैं। नंबर दो कंप्लीट वाइट विद पार्शियल ब्लैक फेस, जिसको वानेरा के नाम से जानते हैं। नंबर तीन ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड, जिसको शिवेरा या वागित के नाम से जानते हैं। फोरहेड मतलब माथा बड़ा तथा उभार लिए होता है। दियोनी के सींग छोटे तथा ब्लंट होते हैं। अगली ब्रीड है हरियाणा।
यह हरियाणा स्टेट में मुख्यतः पाई जाती है। इनका रंग वाइट या लाइट ग्रे होता है। इनका फेस लंबा तथा नैरो होता है और पोल के सेंटर में वेल मार्क्ड बोनी प्रोमिनेंस होता है। इनके पैर पतले और सींग छोटे होते हैं। आप ऐसा स्क्रीन पर जो पिक है उसमें देख सकते हैं। अगली ब्रीड का नाम है घुमुसारी। घुमुसारी ब्रीड मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाती है। यह गंजम तथा फूलबानी जिलों में पाई जाती है। घुमसार गंजम जिले में एक स्थान का नाम है। घुमसारी ब्रीड का मुख्यतः रंग सफ़ेद होता है। यह कभी कभी ग्रे कलर में भी पाई जा सकती है। अगली ब्रीड है हालीकर। हालीकर मैसूर के नाम से भी जानी जाती है। यह मुख्यतः कर्नाटक की ब्रीड है। इसका रंग सफ़ेद से हल्का ग्रे तक हो सकता है। स्पेशली यंग ब्रीडिंग बुल्स के कंधों तथा पीछे के हिस्सों पर डार्क शेड पाया जाता है। दोनों सींग एक दूसरे के नज़दीक से निकलते हुए ऊपर और पीछे की ओर जाते हैं। आधे सींगों की नाप के बाद धीरे धीरे हल्के से अंदर व आगे की तरफ मुड़ते हैं। सींगों की टिप पॉइंटेड होती है। आँखों तथा चीक्स, गर्दन तथा कंधों पर वाइट पैचेस या मार्किंग पाई जाती है। अगली कैटल ब्रीड का नाम है गंगा तीरी। गंगा तीरी मुख्यतः उत्तर प्रदेश की ब्रीड है, खास तौर पर यूपी के गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ, मिर्जापुर या इनके आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में गंगा तीरी ब्रीड पाई जाती है। बिहार के भाभुआ, बक्सर तथा भोजपुर जिलों में भी गंगा तीरी ब्रीड पाई जाती है। यह कंप्लीट वाइट या ग्रे कलर की हो सकती है। आईलिड्स, मजल, हूव्स तथा टेल स्विच जनरली ब्लैक होती है। सींग मीडियम साइज के तथा पीछे की ओर और अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं। सींग पॉइंटेड होते हैं। आप गंगा तीरी ब्रीड को पिक में आसानी से पहचान सकते हैं। अगली ब्रीड है गौलाओ। गौलाओ यह अरवी तथा गोलगानी के नाम से भी जानी जाती है। इनका रंग मेल में ब्लैकिश वाइट तथा फीमेल में वाइट होता है। मेल की गर्दन पर ग्रे रंग पाया जाता है। सींग छोटे तथा पीछे की तरफ घूमे होते हैं। इनका हेड लंबा तथा मजल की तरफ से नैरो होता है। आंखें बादाम जैसी और स्लाइटली एंगल पर पाई जाती हैं। यह ओंगल ब्रीड से मिलती जुलती ब्रीड है, परंतु गावलोआ ब्रीड ओंगल ब्रीड से छोटी होती है। नेक्स्ट ब्रीड का नाम है कांकरेज। कांकरेज को वागेड़, वागाडिया, तलबदा, नागर आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः गुजरात तथा राजस्थान से संबंधित है। कांकरेज का रंग सिल्वर ग्रे या आयरन ग्रे या स्टील ग्रे हो सकता है। मेल में फोर तथा हाइंड क्वार्टर्स और हम्प बाकी बॉडी के रंग से डार्कर होते हैं। सींग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर की शेप के होते हैं। आप देख सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर किस तरह से दिखता है। इसी तरीके से इनके सींग लायर शेप के होते हैं। इनके सींग बेहद ही स्ट्रांग होते हैं। यही ब्रीड भारतीय ब्रीड्स में हैवीएस्ट ब्रीड है। इनके कान बड़े, पेंडुलस और आगे की तरफ ओपन होते हैं। आप इस ब्रीड को पिक में देखकर
आसानी से पहचान सकते हैं। अगली ब्रीड का नाम है केन कथा। यह केन कथा केन वारिया नाम से भी जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश तथा यूपी में पाई जाती है। यह बुंदेलखंड में केन नदी के किनारों पर होती है। यही इसका मुख्य ब्रीडिंग ट्रैक्ट है। यह ग्रे से डार्क ग्रे वाली ब्रीड है। कान शार्प पॉइंटेड और ड्रूपिंग नहीं होते हैं। अगली ब्रीड का नाम है कंगायम। यह मुख्यतः ईरोड तथा करूर जिले में पाई जाती है। कंगायम ईरोड जिले में पाए जाने वाला स्थान है। यह ब्रीड अमला चेरी ब्रीड से काफ़ी मिलती जुलती है। जन्म के समय इनका रंग लाल होता है, जो लगभग 6 महीने की उम्र पर ग्रे हो जाता है। फीमेल का रंग ग्रे या सफ़ेद ग्रे होता है। ज़्यादातर गायों का फेस डार्क होता है। मेल में रंग ग्रे कलर होता है। हम्प फोर एंड हाइंड क्वार्टर्स फेस तथा लेग्स डार्क ग्रे कलर के होते हैं। आप पिक देखकर कंगायम को आसानी से पहचान सकते हैं। इन पशुओं की बॉडी स्ट्रॉन्ग तथा हम्प बड़ा होता है। इनके सींग बड़े होते हैं और इस प्रकार से होते हैं कि दोनों सींग एक सर्कल सा बनाते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी कंगायम ब्रीड के पशु लाल या ब्लैक कलर में भी पाए जाते हैं। अगली ब्रीड का नाम है खरियर। खरियर ब्रीड मुख्यतः उड़ीसा की ब्रीड है। यह उड़ीसा के नौपादा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मुख्यतः इसका रंग भूरा होता है। कभी कभी खरियर ग्रे कलर में भी पाई जा सकती है। हम्प नेक और फेस कहीं कहीं पर गहरे रंग की होती है। सींग लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। आप स्क्रीन पर खरियर ब्रीड की पिक को देख सकते हैं और देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। अगली ब्रीड है खेरीगढ़। खेरीगढ़ ब्रीड यूपी में खेरी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में भी यह पाई जाती है। इनका रंग सफ़ेद, कुछ पशुओं में ग्रे कलर सारी बॉडी पर स्पेशली फेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सींग मीडियम लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर की शेप के होते हैं। इनकी कद काठी छोटी होती है। आप स्क्रीन पर पिक देखकर खेरीगढ़ की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगली ब्रीड का नाम है खिल्लार। खिल्लार को थिल्लार या शिकारी या मंदेसी के नाम से भी जाना जाता है। खिल्लार ब्रीड कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। खिल्लार ब्रीड सफ़ेद या ग्रेइश वाइट कलर में पाई जाती है। इनके सींग लंबे व धनुषाकार मतलब बो शेप के होते हैं। आप पिक में देखकर खिल्लार ब्रीड की पहचान आसानी से कर पाएंगे। अगली ब्रीड है कोंकण कपिला। कोंकण कपिला मुख्यतः महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पाई जाती है। इस ब्रीड का कोट कलर विभिन्न प्रकार का होता है। यह रेडिश ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ग्रे ब्राउन, फॉन कलर में पाई जा सकती है। इनके सींगों का साइज 18.30 से लेकर 18.45 सेंटीमीटर तक हो सकता है। सींग जनरली स्ट्रेट होते हैं। कोंकण कपिला की कद काठी स्मॉल से मीडियम साइज तक होती है। इस ब्रीड को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके कान हॉरिजॉन्टल होते हैं और इसका जो फोरहेड है वो स्ट्रेट होता है।
इनकी आईलिड काली, मजल, हूफ, टेल स्विच भी काली होती है। आप कोंकण कपिला को पिक में देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। अगली ब्रीड है कोसाली। इस ब्रीड के पशु का ब्रीडिंग ट्रैक्ट मुख्यतः छत्तीसगढ़ है। यह डिस्ट्रिक्ट रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर में पाई जाती है। ये पशु मुख्यतः लाइट रेड कलर के होते हैं। ये वाइटिश ग्रे कलर के भी हो सकते हैं। पशुओं का कोट कलर ब्लैक या रेड विद वाइट पैचेस भी हो सकता है। सींग स्ट्रेट तथा स्टम्पी होते हैं। सींग फीमेल में 12 सेंटीमीटर तथा मेल में 21 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। मजल, आईलिड्स, टेल स्विच, हूव्स ब्लैक होते हैं। इनका अडर स्मॉल होता है और बाउल शेप का होता है। अगली ब्रीड का नाम है कृष्णा वैली। कृष्णा वैली को किसना वैली के नाम से भी जानते हैं। यह कर्नाटक के बेलगांव, बीजापुर, रायचूर तथा महाराष्ट्र के सतारा, संगली, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इनका कॉमन कलर ग्रे वाइट होता है। मेल में फोर क्वार्टर तथा हाइंड क्वार्टर का शेड डार्कर होता है, परंतु ब्राउन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कलर भी पाया जा सकता है। बॉडी मैसिव होती है। फोर हेड पर डिस्टिंक्ट बल्ज पाया जाता है। इसका निर्यात ब्राजील व अमेरिका में किया गया है। कृष्णा वैली की संख्या धीरे धीरे घट रही है। आप पिक में देखकर कृष्णा वैली की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगली ब्रीड है लद्दाखी। लद्दाखी ब्रीड जम्मू कश्मीर के लेह तथा कारगिल जिलों में होती है। ज़्यादातर इनका रंग काला होता है। इनकी कद काठी छोटी होती है। शरीर पर बाल दिखाई देते हैं और पैर छोटे होते हैं। स्क्रीन पर पिक में देखकर आप लद्दाखी ब्रीड को आसानी से पहचान सकते हैं। अगली ब्रीड है लाखिमी। लाखिमी ब्रीड आसाम में पाई जाती है। इस ब्रीड का रंग ब्राउन ग्रे होता है। इनकी कद काठी छोटी, सींग सीधे तथा इनके पैर छोटे होते हैं। इनकी बैकलाइन कर्व्ड होती है। आप पिक में देखकर आसानी से लाखिमी ब्रीड की पहचान कर सकते हैं। अगली कैटल ब्रीड है मालनट गिद्दा। इसे गिद्दा, वर्षा गंधी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः कर्नाटक में पाई जाती है। मालनट गिद्दा का रंग मुख्यतः काला होता है। कंधे तथा थाइस पर फॉन कलर का शेड पाया जाता है। कद काठी छोटी होती है। वजन लगभग 80 से 120 किलोग्राम तक हो सकता है। आप समझ ही गए होंगे इस ब्रीड का नाम गिद्दा क्यों पड़ा। गिद्दा मतलब ड्वार्फ और मालनड़ का मतलब है द प्लेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल। इसी वजह से इस ब्रीड का नाम मालनड़ गिद्दा पड़ा है। अगली ब्रीड का नाम है मालवी। मालवी ब्रीड को मंथनी तथा महादेवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मालवी ब्रीड मध्य प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन तथा रतलाम व आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इनका रंग वाइट या वाइटिश ग्रेइश होता है। मेल में नेक, शोल्डर्स, हम्प, क्वार्टर्स डार्क शेड के होते हैं। इनके सींग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर की शेप के होते हैं। सींग कर्व्ड होते हैं तथा 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। मालवी ब्रीड के पशु स्ट्रॉन्ग और हैवी होते हैं। अगली कैटल ब्रीड का नाम है मेवाती। मेवाती ब्रीड हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर और यूपी के मथुरा जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। यह ब्रीड हरियाणा ब्रीड से मिलती जुलती है, परंतु इनके सींगों में अंतर होता है।
पशु मुख्यतः सफेद रंग के होते हैं, परंतु नेक, शोल्डर्स और क्वार्टर पर रंग गहरा होता है। इनके सींग स्मॉल साइज से मीडियम साइज के हो सकते हैं। आप मावेती ब्रीड की पिक देखकर इस ब्रीड की पहचान आसानी से कर सकते हैं। मोटू, मोटू कैटल की एक अगली ब्रीड है। मोटू उड़ीसा की ब्रीड है। ज़्यादातर इनका कोट कलर ब्राउन होता है। इनकी कद काठी छोटी होती है। सींग छोटे, सींग की टिप राउंडेड होती है। सींग का साइज मेल में 6.5 तथा फीमेल में 3.5 सेंटीमीटर होता है। इनका एवरेज बॉडी वेट फीमेल में 137 किलोग्राम तथा मेल में लगभग 172 किलोग्राम होता है। अगली कैटल ब्रीड है नागौरी। नागौरी ब्रीड राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर तथा नागौर जिलों में मिलती है। इस ब्रीड के पशु का रंग जनरली व्हाइट और लाइट ग्रे होता है। सींग मीडियम साइज के, कद काठी बड़ी तथा स्ट्रांग होती है। फीमेल्स का एवरेज वजन 318 किलोग्राम तथा मेल में एवरेज वजन 363 किलोग्राम होता है। इनका फेस लंबा तथा घोड़े जैसा नैरो होता है। आप पिक में देखकर नागौरी ब्रीड की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगली कैटल ब्रीड का नाम है निमारी। निमारी ब्रीड मध्य प्रदेश के खरगांव, बड़वानी, धार व आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी लगे हुए क्षेत्रों में यह निमारी ब्रीड मिल सकती है। इसका रंग कॉपर कलर या ब्राउनिश रेड तथा चितकबरा होता है। निमारी ब्रीड की कद काठी मैसिव होती है। माथा बल्ज्ड होता है। यह ब्रीड गिर तथा खिलाड़ी के क्रॉस से बनी है। आप पिक में देखकर निमारी ब्रीड की पहचान आसानी से कर लें। अगली कैटल ब्रीड है रेड कंधारी। यह ब्रीड महाराष्ट्र की अहमदनगर, परभनी, बीड, नांदेड, लातूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। पशुओं का रंग डीप डार्क रेड होता है। पिक में देखकर आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। बुल्स में रंग काउस के मुकाबले ज़्यादा डार्क रेड होता है। सींग मध्यम आकार के होते हैं और इनकी कद काठी बड़ी होती है। बेचूर, बेचूर केरला की ब्रीड है। दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड बेचूर ही है। कद काठी बेहद छोटी, सींग छोटे, कई बार तो इतने छोटे होते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। वेचूर ब्रीड के पशुओं का रंग लाइट रेड, ब्लैक और फॉन एंड वाइट होता है। वेचूर ब्रीड के दूध की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगली कैटल ब्रीड का नाम है अमला चेरी। अमला चेरी तमिलनाडु की ब्रीड है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम तथा थिरुवरूर जिलों में मिलती है। इन पशुओं का रंग बर्थ के समय लाल होता है, जो 3-4 महीने में ग्रे हो जाता है। बुल्स डार्क ग्रे कलर के होते हैं तथा एक्सट्रीमिटीज ब्लैक होती हैं। फेस, लिम्स, टेल पर वाइट मार्किंग होती है। हॉक जॉइंट के नीचे चारों पैरों पर वाइट मार्किंग होती है। इवन हूफ का पोर्शन भी कई बार वाइट होता है। आप इस ब्रीड को स्क्रीन पर दिख रही पिक में आसानी से पहचान सकते हैं। पोमार, पोमार को पूर्णिया के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इनका रंग सफ़ेद,
पैचेस के साथ ब्राउन या ब्लैक होता है। सींग मध्यम आकार के होते हैं। आप पिक में आराम से इस ब्रीड को देखकर पहचान सकते हैं। अगली ब्रीड का नाम है पुलिकुलम। पुलिकुलम ब्रीड तमिलनाडु के मदुरई, शिवगंगा, विरुधुनगर जनपद में पाई जाती है। इसके पशु का रंग फीमेल में वाइट और ग्रे, मेल में डार्क ग्रे होता है। इन ब्रीड के पशुओं की कद काठी छोटी होती है और पैर छोटे होते हैं। आप पिक में आराम से देखकर पुलिकुलम की पहचान कर लें। अगली ब्रीड का नाम है पंगानूर। पंगानूर ब्रीड आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है। इस ब्रीड के पशु का रंग सफ़ेद, ग्रे, लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन या लाल होता है। वाइट मिक्स्ड विद रेड और ब्लैक कलर इज ऑल्सो फाउंड। सफ़ेद रंग पर भूरे या ब्लैक पैचेस भी हो सकते हैं। पंगानूर के सींग छोटे या मीडियम साइज के होते हैं। देखने में इस पशु का स्टेचर छोटा होता है। अगली ब्रीड का नाम है थारपारकर। यह ब्रीड गुजरात के कच्छ, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। थारपारकर पशुओं का रंग वाइट या लाइट ग्रे होता है। थारपारकर पशु का फेस तथा एक्सट्रीमिटीज का रंग शरीर के बाकी रंग से डार्क साइड में होता है। बुल्स में गर्दन, हम्प, फोर क्वार्टर, हाइंड क्वार्टर भी डार्क कलर के होते हैं। इनका माथा कॉन्वेक्स होता है, जिसको आप पिक में देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस ब्रीड को वाइट सिंधी या ग्रे सिंधी या थारी भी कहते हैं। थारपारकर पशुओं की कद काठी मीडियम तथा कॉम्पैक्ट होती है। इस ब्रीड का उपयोग करन फ्रीज नाम की सिंथेटिक ब्रीड बनाने में किया गया है।